बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हाजिर हूँ जी मैं ताशबीन के दस्तरहान के साथ, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है आलू का पराठा। आलू का पराठा एक नए स्टाइल से आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसके लिए हमने ले लिए हैं, ये दो आलू हमने लिए हैं। इनको ये कांटे की मदद से अच्छी तरह मैश कर लेंगे। आलूओं को अच्छी तरह हमने मैश कर लिया है। ये हरा धनिया है हमारे पास, ये फ्रीज़ है इसलिए ये थोड़ा गीला गीला से महसूस हो रहा है। इसके अलावा हम डालेंगे जी हाफ़ टी स्पून हमारे पास नमक है, हाफ़ टी स्पून ही चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर है, ये हाफ़ टी स्पून हमारे पास ज़ीरा है कुटा हुआ, 1 टीस्पून खुश्क धनिया है हमारे, इसको भी आपने मोटा मोटा कूट लेना है, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ये हरी मिर्चें 2 हमारे पास, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे मसालों को। मसालों को आप तेज़ या ज़्यादा या कम कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, जैसे आपको पसंद हो। ये 2 पेड़ों का आटा हमने ले लिया है, इसको हम अच्छी तरह बेल लेंगे। ये आम रेगुलर आटा है जो घर में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मैदे की भी बना सकते हैं, मैदे का पराठा बहुत अच्छा होता है। रोटी को आप बेल लें, अच्छे तरीके से बेलने के बाद इस पर आप गिल गएँ और थोड़ा सा कुछ आटा डस्ट करेंगे इसके ऊपर। अच्छी तरह सारे आलुओं को फैला लें। बिल्कुल कॉर्नर तक फैलाएं ताकि आपके पराठे का टेस्ट खुलने तक आए, आपको अच्छे तरीके से फील हो। अब इसको फोल्ड कर देंगे। अच्छे तरीके से आप इसको फोल्ड करें। इसको यूं फोल्ड कर लेंगे हम पूरे को। अब हम इसको दरमियान से कट कर लेंगे। इस तरह इसको पेड़ों को थोड़ी देर हम रेस्ट देंगे ताकि हमारा पराठा अच्छे तरीके से बेला जाए। अच्छी तरह इसको बेल लेंगे, अच्छे तरीके से बेल लें इसको। इस तरह आप इसको बेल लें, आपने ज़्यादा बड़ा नहीं करना वरना आलू आपके इसमें से निकल जाएंगे। आलूओं वाली साइड हमने ऊपर रखनी है, बेल जा के आप इस साइड पे इसको पकने देंगे। पराठा मेरा आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा बेहतरीन सा तैयार हो गया। हमारे शानदार से पराठे तैयार हो चुके हैं। अब ये पराठा आलू वाला भी है और भल वाला भी है, आपको बेहद पसंद आएगा, लाजमी इसको ट्राई करें। अगर तो मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।